चलो कल कहाँ तक डाउट्स ले लिए थे? 91 से करने एडिशनल के। चलो 91 से 120 तक जो भी पूछना है बताओ। एडिशनल क्वेश्चन बैंक 91 से 120 किसी को कुछ भी पूछना है? नाइन्टी वन से 120 कुछ पूछना है? नहीं। वन 150 किसी को कुछ भी पूछना? वन 25, 26, 29 बस ये तीन ही क्वेश्चन है क्या 121 से 150 के बीच में? करें चलो 125 ये तेरा की है फाइंड द रैंक ऑफ द मीडियन। मुझे रैंक निकालना है, मुझे मीडियन नहीं निकालना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब नंबर ऑफ टर्म्स 10 है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। तो इवन होती है तो दो पोजीशंस आती हैं, एक तो n/2 और एक n/2 + 1। तो n/2 5 5 + 1 6। उन दोनों पोजीशंस पे जो वैल्यूज होती हैं उसका एवरेज निकालकर मीडियन निकालते थे, पर यहाँ तो मुझे रैंक पूछी है मतलब उसकी पोजीशन पूछी है। तो एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी होगी इनका भी आप क्या कर दो? एवरेज कर दो। तो ये कितना हो गया? 11/2 दैट इज 5.5। आया समझ में? क्लियर है? देन क्वेश्चन नंबर 126 फाइंड द रैंक ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। बच्चे फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लोगे? बस रैंक ही निकालनी है, एग्जैक्ट क्वार्टाइल की वैल्यू नहीं निकालनी है अपन को, ठीक है? उसकी पोजीशन ही निकालनी है अपन को। निकाल लोगे? क्वेश्चन नंबर 129 द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड बाय अ टेप 10 टाइम्स। यू हैव टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द रॉड बाय एवरेजिंग दीज 10 डिटर्मिनेशन। ये बच्चों एक बार तुम गूगल करके देखना ये वाला कि कौन सा मेजर काम में लेंगे। इसके लिए गूगल करके आना और मुझे भी बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? AM दे रखा है तो AM याद कर लो, लर्न कर लो AM। ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं है एग्जाम में, आते ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। तो 130 भी बेटा लर्न कर लेना, 131 भी बेटा लर्न कर लेना, ठीक है? 150 तक और कुछ? चलो 151 से 180 तक किसी को कुछ भी पूछना है? 154, 152, 151 से 180 तक किसी को कुछ भी पूछना है? 175। बस बता दूं? चलो क्वेश्चन नंबर 152 when the algebraic sum of the deviations from the arithmetic mean is not equals to 0 the figure of the arithmetic mean is not correct। देखो अपन ने arithmetic mean की फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, the sum of the deviations taken from the arithmetic mean will always be 0। जब भी observations का डिफरेंस अपन सिर्फ और सिर्फ arithmetic mean से लेते हैं फिर उनका टोटल करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अपन ने डेविएशंस लिए मीन से और उसका सम किया और वो सम की वैल्यू 0 नहीं आ रही मतलब वो ऑब्जर्वेशन गलत है, वो जो जितने भी देरी के वैल्यूज वो गलत है क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। 154 हाँ, इन द प्रॉब्लम फाइंड द अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होता है? जो सेंटर मोस्ट वैल्यू होती है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो किसको अज्यूम्ड मीन मानते थे? जो भी दो सेंटर मोस्ट वैल्यू है और उसमें से भी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको ए मानकर चलते थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो सेंटर मोस्ट एक्सआई आपके पास ये है, पर इसमें से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो अज्यूम्ड मीन क्या होगा? 8 + 5 / 2 कितनी वैल्यू आएगी? एक्सआई तो निकालते थे, एक्सआई क्या होता था, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो कितनी आएगी 11.5। तो इसका अज्यूम्ड मीन की वैल्यू कितनी आ गई 11.5। आया समझ में? किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। क्लियर है? देन अपन को 175 For ordering shoes of various size for resale, a dash size, a model size will be more appropriate. देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आप एक दुकानदार हो, ठीक है, और आपको जूते बेच रहे हो आप, अब जूते का कौन सा साइज आप ऑर्डर करोगे, कौन सा साइज आप ऑर्डर करोगे एज अ दुकानदार? आप जिसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है, जो ज़्यादा बिक रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या होता है। आ गया समझ में? 180 तक हो गए। चलो 181 से 200 तक के जो पूछ रहे हैं बताओ। 182, 191, 94, 181 से 200 तक किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ। हाँ, 183। सिर्फ दो ही बच्चों को डाउट है क्या आज, बाकी किसी ने किए ही नहीं क्वेश्चंस यहाँ। 191 बस बता दो। 182 डैश इज यूज्ड व्हेन रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज रिक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज एसिमेट्रिक। ये आप लर्न कर लेना, 182 लर्न कर लेना। 83 डैश इज यूज्ड व्हेन मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू इज रिक्वायर्ड। मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी वैल्यू होती है, मोस्ट। देन 191 एंड 94। 91 डैश इज यूज्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हैज टू बी स्टडीड एट वेरिंग। 83 का क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। When most frequently occurring values, मेरे ख्याल से तो मोड ही आएगा, मोड ही आना चाहिए। $191 is used when distribution pattern has to be studied at varying level. ये भी लाइन में डाल दो। 94 The correction factor is applied in inclusive type of distribution. Correction factor का मतलब देखो, अगर मुझे values दे रखी है 10 से 19, तो अपन solve करते हैं generally median और mode के अंदर या किसी के अंदर, तो अपन इसको भी convert करते हैं और इसको भी convert करते हैं, but exclusive में अपन को कोई conversion की जरूरत नहीं होती। Answer exclusive दे रखा है, exclusive ही दे रखा है, तो फिर ये learn करो आप बच्चे। No reason। ज्योमेट्रिक मीन में रेशियोज होते हैं। एचएम में स्पीड। मेरे ख्याल से तो इंक्लूसिव आंसर आना चाहिए, पर आप लोग कह रहे हैं गूगल भी अगर एक्सक्लूसिव बोल रहा है। दोबारा चेक करके देखना। यही है तो आप लोगों के पास तो नहीं है ना, नए बच्चे तो अभी तक नहीं आई, नहीं क्या, तो यही आएगा बच्चे, इंक्लूसिव ही आएगा। हाँ तो वो सही कर लेना ना, आपस में डिस्कस कर लिया करो ना दो चार क्वेश्चंस। 94 के बाद कौन सा था, 99। In a moderately asymmetric distribution, mean can be found out from a given values of median mode is the mathematical property of mean. नहीं, ये mathematical property नहीं होती, ये statement false है। देखो अपन ने पढ़ा था empirical relationship। बुक में अगर inclusive दे रखा है ना नई वाली में, तो inclusive आएगा आंसर। इंक्लूसिव कर लो, इंक्लूसिव बच्चों, इंक्लूसिव कर लो, ठीक है। देखो अपन ने क्या था, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, ये इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होती कि मीन को मीडियन और मोड से निकाला जा सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 201 से 230 तक जो भी पूछना है बताओ, 201, 211, 201 से 230 तक कुछ भी पूछना है तो बताओ। टू वन नाइन, 216, 217, 215, 218 और कुछ 224 और बस बता दूं, लिख लिए। चलो सबसे पहले है 201, ठीक है। The mean wage in a factory A is 6,000, whereas in factory B is 5,500. It signifies that factory A pays more to all of its workers than factory B. ये statement false है। देखो क्या कहता है ये समझो, इसने कहा फैक्ट्री A की वेजेस कितनी है 6,000 और फैक्ट्री B की मीन कितनी है 5,500। इसका मतलब ये है क्या कि फैक्ट्री A अपने सारे वर्कर्स को B से ज़्यादा पे करती है। ऐसी भी तो वैल्यूज हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, 15, 20, ठीक है, और यहाँ पे है 2, 3, 30, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता। सपोज इसका मीन तो आया उनका 6,000 और इसका मीन आया उनका 5,500। क्या फैक्ट्री ए के सारे लेबर्स जो है वो ज़्यादा पेड हैं क्या एज कम्पेयर टू फैक्ट्री बी? नहीं, जो लेबर सी है उसको फैक्ट्री सी में बी में ज़्यादा पैसा मिलता है और ए में उसको कम पैसा मिलता है। ये स्टेटमेंट ये सही नहीं है। मतलब अगर किसी चीज़ का मीन ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सारी वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी, कुछ वैल्यूज़ दूसरी ऑब्जर्वेशन से कम भी हो सकती हैं। ऑल आ गया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आ गया समझ में, क्लियर है। 201 के बाद कौन सा है बच्चे, 11, 210 लर्न, 211 लर्न, सेम ही है तो बच्चे दोनों। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, दोनों क्वेश्चंस एकदम सेम हैं आप लोगों के। तो सेम ही तो है ना, फॉर्मेट सेम है ना, बेस सेम है दोनों का, ऑर्डर बता रहे हैं दोनों में। लर्न कर लो। 11 के बाद 16, 216, 15. For purpose of comparison between two or more series with varying size or numbers of items varying central values or units of calculation, only dash measures can be used. बच्चे comparison के लिए कौन सा हमेशा काम में लेते हैं, relative। 215 हो गया, अब 216 बताना है ना, ठीक है। The relation relative range, relative range का formula क्या था, largest minus smallest upon largest plus smallest into 100। तो क्या इसका फॉर्मूला ये है, एब्सोल्यूट रेंज। एब्सोल्यूट रेंज का फॉर्मूला क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन सम ऑफ टू एक्सट्रीम्स। हाँ इसका फॉर्मूला यही है, इनटू 100। यहाँ पे इस बार इसने ऑप्शनल दे दिया, इसने नहीं दिया इनटू 100। तो क्या इसका फॉर्मूला यही है, हाँ इसका फॉर्मूला यही है, ठीक है। 16 के बाद 17, द रिलेशन, सेम क्वेश्चन है बच्चे। एब्सोल्यूट रेंज, एब्सोल्यूट रेंज क्या होता है, रिलेटिव रेंज डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू एक्सट्रीम्स। क्या है ये स्टेटमेंट, फॉल्स। आ गया समझ, क्लियर है। देन 18, इन क्वालिटी कंट्रोल दैट इज यूज एज अ सब्स्टिट्यूट टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लर्न कर लो। 8 के बाद ये भी लर्न कर लो। 119 करना, लर्न याद करना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। 19 के बाद 24, the dependence of range on extreme items can be avoided by adopting, ये भी लर्न कर लो। ऐसे क्वेश्चंस अपने सिलेबस में है ही नहीं बच्चे, ये इन्होंने कुछ अलग आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने मॉड्यूल में, टॉपिक में कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, तो इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस 99.99% नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस। अपने 24 के बाद हो गए 30 तक, चलो 231 से 260 तक जो भी पूछना है बताओ। 231 से 260 तक किसी को कुछ भी पूछना है तो बताओ। If all the values are multiplied by the same quantity, the dash and dash also will be multiplied of the same quantity. हाँ, अगर ये चेंज ऑफ स्केल वाली प्रॉपर्टी है, अगर सारी वैल्यूज को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो अपन ने मीन में पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन को भी चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है। अगर अपन डिस्पर्जन में जाते हैं तो रेंज को भी फर्क पड़ता है, मीन डेविएशन को भी फर्क पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी फर्क पड़ता है। अब ये क्या क्या कह रहा है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ ये सही है। मीन मीडियन ये अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं, मीन मीडियन मीन और मोड नहीं होता। अरे मीडियन में अपन ने चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, होती नहीं है ये प्रॉपर्टी, किसको फर्क पड़ेगा। सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन की ये प्रॉपर्टी पड़ी थी और डिस्पर्जन में अपन ने हर जगह ये प्रॉपर्टी पड़ी है, तो डिस्पर्जन के तो चारों मेजर्स को फर्क पड़ता है और सेंट्रल टेंडेंसी में जो मीन है उसको फर्क पड़ता ही है, उसमें मीडियन मोड आते ही नहीं है, अपन ने काउंटेबल ही नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? हाँ जी, अपन को कुछ पूछना है क्या 230 से 231 से 260 तक? टू 43 छोड़ दो, टू काट दो। ये सब आप बीकॉम में पढ़ रहे हो, अगर आप लोग बीकॉम दे चुके हो फर्स्ट ईयर के एग्जाम, अगर दे चुके हो हैं, सेमेस्टर दे दिया तो बच्चे उसमें आप ये पढ़ चुके हो। बीकॉम में होता है ये, नहीं मैंने देखा है ये बीकॉम के फर्स्ट ईयर में ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा ऐसे सेमेस्टर्स होते हैं क्या? पढ़ते तो हैं पर बीकॉम में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, अपने सीए के अंदर नहीं है, फाउंडेशन में ये नहीं है, तो आप लोगों को लर्न करना है। अगर पढ़ना है तो बीकॉम का पढ़ लो, ये सारे बीकॉम में आएंगे आपके। 240 ये लर्न कर लो और 260 तक कुछ, चलो 261 से लास्ट तक जो भी पूछना है बताओ। क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन मिडल 50% ऑफ द आइटम। फर्स्ट 25 को इग्नोर करता है, लास्ट 25 को इग्नोर करता है, सिर्फ सेंटर की 50% वैल्यूज को ये कंसिडर करता है। 261 से लास्ट तक जो भी पूछना है बताओ। 266 और कुछ, बस बता दो। चलो द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 263, कल भी किया था ये सेम क्वेश्चन अपन ने। एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 till n। जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + n। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n। ऊपर तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बन गया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 और डिवाइड बाय n है, तो इसको मल्टीप्लाई करती तो ये क्या हो जाता, 1/n। इस n से ये कैंसिल, तो आपका सम की वैल्यू कितनी आ गई, n प्लस 1/2। आया समझ में? 263 क्लियर हुआ? 266 If the arithmetic mean of any distribution be 25 and one term is 18, then the deviation of 18 from arithmetic mean is 18 minus 25. कितनी वैल्यू आएगी? आ गया? क्लियर है? हो गए? सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो गया आप लोगों का. कल आप लोगों का टेस्ट है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन. अभी अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है.